नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मेष राशि के दर्शकों के लिए अच्छा दिन है, साथ में वृष राशि वालों के लिए भी दिन अच्छा है। कैसे? मेष वालों का भाग्य वृद्धि होगी और वृष राशि वालों के लिए भाग्य के साथ साथ में कर्म की भी वृद्धि होगी, पर स्वास्थ्य खराब रहेगा। मिथुन की यदि मैं बात करूं तो मिथुन राशि वालों के लिए आज वैवाहिक जीवन तो तनाव में चला जाएगा, ये तो बिल्कुल निश्चित है स्थिति। पर हाँ, ये जरूर है कि कंट्रोल हो जाएगी, मनमुटाव होगा, मना लें, आ जाएगी कंट्रोल, सिचुएशन होगी। कर्क वालों के लिए बाधा है, उनको तनाव होगा आज शत्रु पक्ष से, विरोधियों से, और बुध का वहाँ होना, शनि का वहाँ होना, गाड़ी तेज गति से चलाएंगे जिसकी वजह से दुर्घटना होने का भी योग बनेगा। सिंह की यदि मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है, पर केंद्र बुरी तरीके से पाप प्रभाव में, कोई शुभ ग्रह नहीं है जिसकी वजह से उथल पुथल भी आज लाइफ में रहेगी पूरे दिन। कन्या वालों, आप निश्चिंत हो जाइए, अपना काम करिए, आज मन का और कर्म का समन्वय बनेगा, जो चीज़ मन में आए उसको आप करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। अपनी माँ का आज सम्मान करें, उनके पैर छू करके आपको घर से निकलना चाहिए और अपनी थोड़ी सी जो आवाज़ है नीचे करके चलें। तुला, दिन अच्छा है पर मनी मन एक अंतर्द्वंद चलता रहेगा, अलगाव की स्थिति एक मन में पैदा होगी, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाती है वो ठीक है, विल पावर बढ़ेगी, साहस में वृद्धि होगी। वृश्चिक वालों के लिए तनाव आज दिखाई देता है, तनाव आप स्वयं अपने आप तनाव का आप कारण बन जाएंगे, क्योंकि आज जो आपकी वाक शक्ति होगी वो ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। धनु वाले भी बहुत ज़्यादा संतुलित वे में आज बात नहीं कर पाएंगे, मान सम्मान में कमी आएगी। मकर वालों के लिए दिन जल्दबाजी में रहेगा, जाएंगे खर्चे जल्दी होंगे, काम जल्दी करने की प्रवृत्ति होगी, जहाँ 100 रुपये में काम होना चाहिए वहाँ 200 रुपये खर्च कर देंगे, ऐसा होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि के जो हमारे जातक हैं उनके लिए ग्रहों का प्रभाव आपके लाभ की दृष्टि से अच्छा है। अब बात करूँगा मैं अंतिम मीन राशि। आज आपकी राशि का स्वामी खुद अष्टम भाव में है, स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करेगा, दिक्कत आएगी, खून में कमी, बीपी की शिकायत, ऐसी दिक्कतें देखने को मिलेंगी, इसीलिए प्रॉपर हेल्थ चेकअप कराएं, लापरवाही न बरतें। लाभ ठीक है, नौकरी ठीक चलती रहेगी। ये था आपका राशिफल। दोस्तों, आप मुझे मिल सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें व्यूज़ दें, शेयर करें, तभी आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हम पहुँच पाएंगे। अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे। नमस्कार।